आप तो ना नाम से अगर बोल दूं मैं आंटी समझ जाता है कि सबसे पहले आपसे ही मिला है। इसलिए लो इसको खिला दो। डुगू नहीं खा रहा, डुगू नहीं खा रहा, मैं डुगू को नहीं, इसे बुक्कू को खिला दो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं ऑफिस जाने के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज आलू और मटर की सब्जी बना रही हूँ, और मटर जो है मेरा वो सर्दी में मैं छील के रखी थी वही रखा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है ना, अभी सब्जी कितनी महंगी है, तो अभी मेरा मुझे काम आ गया कि कोई और हरी सब्जी नहीं थी, तो कह के चलो मटर रखा हुआ है उसका यूज कर लेती हूँ। ऐसे ज़्यादातर मैं पोहा के साथ ही यूज करती हूँ, पोहा के लिए रखी रहती हूँ, पोहा में मुझे मटर बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन अभी नहीं कोई ऐसा सब्जी थी, तो मैं ये जो आलू है ना, लंबे वाले आलू थे, तो उसको गोल गोल काट के उबाल के मैंने छील के और काट ली थी। तो इसको खूब बढ़िया से कड़क एकदम फ्राई कर लीजिए पहले जीरे का फ़ौरन डाल के, और मैंने अच्छे से लाल होके जैसे भून जाए, फिर मटर डाल दीजिए। और मेरे पास टमाटर पीसा हुआ था, आजकल तो टमाटर भी इतने ज़्यादा महंगे हैं कि बता नहीं सकते, तो मेरे पास थोड़ा सा मसाला मैं स्टोर करके पीस के रखी हुई थी। तो देखी तो मैं खुश हो गई कि चलो टमाटर घर में नहीं है लेकिन ये पेस्ट है तो काम आ जाएगा। और ये पतिदेव जी के लिए अभी तब तक लंच की तैयारी हो रही है ना अभी, तो उनको एक डब्बे में ये थोड़ा स्नैक्स डाल देती हूँ। ये है छुरवा जो होता है ना, डाइट वाला स्नैक्स, तो अच्छा होता है, सारा मिक्स मिला हुआ है, तो कभी शाम के टाइम चाय वाय के साथ ले लेते हैं। और जो फ्रूट है वो तो डेली डालती ही हूँ मैं, जो भी कुछ रहता है, आम, पपीता, खरबूजा, तो अभी पपीता है तो वो भी तैयारी कर ले रही हूँ। तब तक आलू ये मेरा फ्राई हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसी आजकल कितनी सब्जियाँ महंगी हो गई है ना, एकदम से आग लगी हुई है। तो आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर, कैसे मैनेज करते हैं? मुझे तो लगता है कि पता नहीं, जो जॉब वाले हैं ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाती है ना, तो खाने पीने में ही ज़्यादा खर्चा हो जाए। और देखिए मटर अब मैं भून गया है तो मटर भी डाल दे रही हूँ, कितना ग्रीन ग्रीन है ना, एकदम फ्रेश फ्रेश। तो हम लोग छोटे छोटे कर लेते हैं थोड़ा सा ना, कि बचत, अब बचत क्या ही होना, बस मन को संतोष हो जाता है कि चलो बचत इतना सा कर लिए कि चलो एक दिन मटर काम आ गया सब्जी में। तो यही सब, और गाँव वगैरह में ना हम लोग क्या ना, इसी दिनों के लिए, बरसात के दिनों के लिए, वो मूली का बना के घस के मुरौड़ी कहते हैं, वो बना के रखते हैं, अदौड़ी बना के रखते हैं, उड़द दाल में जो बेसन में डाल के जो बनता है पीस के सुखा सुखा के, और जो पेठा का बड़ी बनता है हम लोग के यहाँ कुमरौड़ी कहते हैं, ये सब बना के रखते हैं कि बरसात के दिनों में यदि सब्जी नहीं आएगी तो ये आलू के साथ लेके डाल के आराम से बना सकते हैं सब्जी। और गाँव में तो आलू लोग इकट्ठा ही खरीद के रखते हैं, 20 किलो 25 किलो, तो आलू तो रहता ही है। तो इस तरह से, और इसमें सिंपल सा मसाला डाल दीजिए, धनिया, हल्दी, मिर्च, और गरम मसाला है तो गरम मसाला डाल दीजिए। ये देखिए मेरा पेस्ट था रखा हुआ, तो मैं कितना खुश हो गया कि चलो है मेरे पास टमाटर का पेस्ट। चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। और आज ना मेरे पड़ोस में है हमारी सुधा जी, उनकी यहाँ डॉगी है, उसका नाम डुगू है। आप पहले ही चैनल पे आए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, तो उसकी कई दिनों से तबीयत ख़राब है, तो आज थोड़ा सा जाऊँगी मैं मिलने के लिए। तो कई कितने महीने हो गए मैंने दिखाया भी नहीं आप लोगों को, तो आज थोड़ा सा शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा ब्लॉग में और देखिएगा कितना, मैंने की तबीयत ख़राब होने के बाद भी जब मैं जाती हूँ ना तो बहुत नटखट हो जाता है, बहुत सतानी करता है। देखिए कैसे लटपट बन के तैयार हो गया। और यदि आप चाहें तो ऐसे सूखे पराठे के साथ खा सकते हैं, अच्छा लगता है बहुत बढ़िया सूखा। लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रेवी डालूंगी, पतिदेव जी को तो रस्से वाली सब्जी थोड़ा सा कहते हैं सूखा सूखा गला में, ऐसे ही होता है। तो यदि दही वगैरह है तो आप दही के साथ कट सकते हैं, सूखा हुआ सब्जी है तो। लेकिन आजकल थोड़ा सा ऐसे कोल्ड वाला चल रहा है ना हिसाब किताब, मुझे भी थोड़ा कोल्ड हो रखा है, तो उनको ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए। और इसको चावल उबल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो हम तो ज़्यादातर मैंने कि ग्रेवी डाल के बनाते हैं, क्योंकि रोटी खाते हैं ना, तो रोटी में उनको यही पसंद है कि थोड़ा सा रहना चाहिए। देखिए मेरी गरम गरम रोटी भी तैयार हो गई। और ये ना मैं उसका मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाती हूँ, तो सॉफ्ट भी रहता है बहुत,
और थोड़ा सा हेल्दी रहता है, लेकिन मैं घर में पिसवाएं तो ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन मैं तो रेडीमेड ही मंगाती हूँ, तो रेडीमेड में तो थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं क्या किए हैं, लेकिन अच्छा यही हो कि घर में सब कुछ ला के और इकट्ठे पिसवा लें तो ज़्यादा बढ़िया होता है। हेलो, कैसे हैं? तो सब ठीक है। और अभी मैं पीछे बागेश्वर धाम का ब्लॉग डाली थी, ग्रेटर नोएडा वाला, तो आप लोग देखिए, जाके देखे नहीं है तो। कई चीज जो होती है ना कि जो बाहर से दिखता है बहुत कुछ, तो ऐसा होना हो जरूरी नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा कुछ डाली हूँ जो आप लोग जाके देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में कैसे वो वहाँ पे कथा वगैरह हुआ और क्या अच्छी बातें थी और क्या थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी बातें, आप लोगों को भी शायद अच्छी ना लगे, तो इसलिए जाके जरूर देखिएगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो मुझे ना ज़्यादा नेगेटिविटी पसंद नहीं है कि बुराई 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 करते रहो, तो मुझे नहीं। लेकिन जो चीज़ गलत है तो मुझे लगता है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और बोलनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो सब अपने अपने ख्याल के लिए स्वतंत्र हैं, जो चाहें बोले, उसमें कुछ लोगों को पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे जो अच्छा नहीं लगा वो मैं आप लोगों से बात की। तो अभी मैं फिलहाल, मेरी फ्रेंड है सुधा जी डुगू, जो आप पीछे शुरू से ब्लॉग में जुड़े हुए हैं, तो डुगू है, तो उसकी तबीयत खराब है कई दिनों से, तो मैं बीच में मिल के भी आई थी, तो अभी फिर थोड़ा सा और मिलने अभी जा रही हूँ, क्योंकि पड़ोस में तो हम लोग की तो बातचीत डेली होती रहती है, तो आज जा रही हूँ मिलने के लिए। तो चलिए आप लोग से भी मिलवाती हूँ। यदि लोग नहीं जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो मिलिए डुगू कौन है, और डुगू की मम्मी से भी मिलिए, और उसको आप लोग ब्लेस भी दीजिए कि प्रे कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं जल्दी से, ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतना ह्यूमिडिटी है ना कि चेंज करने का तो मन बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन अब ब्लॉग में भी लोग कहेंगे कि पूरे टाइम टी शर्ट पजामे भी पहनी रहती है, तो बाकी क्या, घर के लोग ही कहेंगे कि ऐसे ब्लॉग बना लेती है कुछ भी पहन के। तो चेंज की हूँ मैं, बहुत गर्मी लग रही है, अब बात करने वक्त फैन भी बंद रहता है, हर वक्त तो एसी नहीं चला के रख सकते हैं, तो चलिए वहीं मिलते हैं, ठीक है। बैठो, आ रही हूँ, चल आ जा बैठ रही हूँ, चल आ जा, आगे बैठ गए, ये ले बोल, हाँ बैठ बैठो, देखो मैं भी बैठ जाऊँ, बैठ जाऊँ, हाँ ला। कैसी है तबीयत? अब तो ठीक है इसकी तबीयत, कल शाम से बेटर है, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी इसकी, तो बिल्कुल बैठा रहता था, खाना पीना तो बहुत छोड़ा था। हाँ बेटा, हाँ अभी इसे थोड़ा बहुत आ रहा है कुछ, दिखाओ ना, अभी खिला के देखो, लाऊं क्या बताओ, पेडिग्री लाऊं, ला दी, बेटर है वैसे तो, लेकिन आपके सामने खा ले तो खा ले, वैसे सुबह से कुछ, हाँ इसलिए तो आई हूँ कि थोड़ा सा खा भी लेगा डुगू, खाएगा, हाँ, आ रहा है, खाना आ रहा है, आ जा, बोल दो, जा, अब मैं देरी, ये, हाँ, ओहो, नहीं खाना, अभी मूड नहीं है, नहीं खा नहीं रहा है वैसे, हाँ। थोड़ा बहुत ही शुरू किया है कल से, अच्छा, थोड़ा, डिप वगैरह भी चढ़ा है, डिप वगैरह भी चढ़ा है, ड्रिप चढ़ेगा अभी, तीन दिन और चढ़ेगा, तीन दिन चढ़ चुका है, तीन दिन और चढ़ेगा, हाँ, कल और परसों, तीन दिन और चढ़ेगा, ओहो, क्योंकि इंजेक्शन डालते हैं ना उसमें, दवाइयाँ जाती है ना उससे, नहीं मेडिसिन अलग से दिया है क्योंकि प्लेट्स वगैरह भी कम हो गई है, ओहो, जितनी होनी चाहिए, दो दिन तो बिल्कुल ही शांत था ना, दो तीन दिन तो कुछ नहीं किया था, एक हफ्ता पूरा बिल्कुल कुछ भी मुंह में नहीं डाल रहा था, ओहो, तो थोड़ा धीरे धीरे रिकवरी करेगा ना, जैसे हम लोग के साथ होता है वैसे होता है ना, जब वीकनेस हो जाती है तो, कहा कि 5-6 दिन तो लगेगा, लगेगा ही। और प्लेट्स वगैरह बढ़ाने की, भूख की, सबकी मेडिसिन चल रही है, ठीक हो जाएगा, हाँ लो, शुक्र है आप आए तो थोड़ा सा खाया,
मैं यही सोचे थे कि अब शाम को आऊंगी तो दिन बढ़ाएगा, ऐसे ही तो थोड़ा चली जाती हूँ तो खा भी लेगा इसी बहाने। ऐसे रोज जमघट चाहिए ना। हाँ, कोई आता है तभी खाता है ये। देखो आंटी आई बेटा, मैंने कहा ना जैसे ही आंटी आ रही है तो एकदम से उछल के खड़ा हो गया और गेट खोलो जल्दी से। अच्छा, सो तो समझ तो जाता ही है सारी बात है। चलो मैं चल आ गया, इसको लगता है मैं चली नहीं। हाँ। देखो ये किसका है, ये किसका है, किसका ये किसका है? ओ ये तुम्हारा ही है, ये लो। खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ये लो। ओ ये कौन है, ये डुगू है, ये गुग्गू है ना? अच्छा ये गुग्गू है। चलो खा ले अभी। वो डमलू है, वो ढोलक है, ये कौन है? बुग्गू है। और इससे पता नहीं क्यों जब से लाके दिया ना मैंने, इसलिए तो नहीं है, नहीं लेता है, दूर हटता है इससे। अच्छा बड़ा है इसलिए क्या? पता नहीं। ये ठीक है, ये ठीक है डुगो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। नहीं सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, मैं ही अकलौता हूँ जो हूँ। सो हो गया, खुजा लिया। वो आई थी ना एक दिन रेखा की बेटी, छोटे बेबी को लेके, तो ये इतना ज्यादा गुस्सा होने लगा कि उसको प्यार मत करो, मुझे प्यार करो। हाँ छोटे बच्चे को, ये छोटा, ये लो आपका तो नाम से अगर बोल दूँ मैं आंटी समझ जाता है कि सबसे पहले आपसे ही मिला है। हाँ इसलिए। लो डुगो, इसको भेजो, इसको इसको खिला, इसे खिला दूँ। ओ डुगो नहीं खा रहा, डुगो नहीं खा रहा, मैं डुगो को नहीं, नहीं डुगो को, इसे बुक्कू को खिला दूँ, बुक्कू को। हाँ मेरे पास कुछ है नहीं, देख रहे हैं गोरी मेडिया। मुझे यार नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा, खा ले ऐसे आपको रखो। नहीं ऐसे मुंह में डालो, मुंह में डालो। ले नहीं नहीं ले रहा आपसे, ये ले, ये लो। नहीं नहीं ये लो, मम्मी से खा अपना, ला आ जा। हाँ आ जा। अच्छा अरे ये लो, ये लो। ओहो बस रख लेगा, हो गया, लेके बैठ गया, पेट बढ़ गया, पेट बढ़ गया, खाएगा थोड़ा। तो चलना नहीं है, उड़ना नहीं है, ते, ते चलते, ने, निकाल 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 छोड़ दिया। नहीं छोड़ा है, पकड़ के बैठा हुआ है, क्यों खाना नहीं है। बाहर जब जाती हूँ ना तो कोई बच्चे खेलते रहते हैं, पहले दूर से मैं कहती हूँ कि बेटा रुक जाओ, क्योंकि एक बार अगर पकड़ लिया ना छोड़ेगा ना, देता ही नहीं है फिर ये। इसी वजह से तुरंत उसी समय जाके लेके आई थी मैं, किसी बच्चे के लिए आया, बच्चा रो रहा है कि नहीं मुझे यही वाली चाहिए। मैंने कहा बेटा मैं दूसरा दिला देती हूँ तुझे, नहीं मुझे वही वाली चाहिए, अपनी वाली चाहिए। पूरे पापा को बुला लिया, पापा बोले बेटा कोई बात नहीं दूसरी ले लेना। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने रात को लाई और यहाँ अंदर रख दिया मैंने, तो इसे पता था कि अंदर रखा हुआ है, वहीं बैठ के रोता रहा पूरी रात। सुबह होते ही जैसे शॉप के लिए लाके मैंने ये वाला दिया और पूरी वहां बास्केट भरी पड़ी है इसकी, लेकिन नहीं ऐसे ही वाली चाहिए। तो वहां से आने के बाद फिर शाम हो गया था, तो चाय वाय वहां पे ही लिए थे, तो रात में ये मैं नमकीन चावल पूरा सोयाबीन बड़ी वगैरह सब डाल के, मटर वगैरह डाल के नमकीन चावल बनाई थी, और ये गांव का चिप्स रखा हुआ था तो चिप्स फ्राई कर लिया था, और साथ में आम था ही, ये सब खाना हो गया।
तो मैं वीडियो को करूँगी यहीं पे क्लोज, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया होगा मुझे लगता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ब्लॉग अच्छी लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सपोर्ट किया कीजिए यार। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से। गुड नाइट।